सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है यूपी के जनपद बलिया से। जिला न्यायालय बलिया में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी 17,234 वाद निस्तारित किए गए। 13.84 करोड़ की समझौता धनराशि तक की गई। इस मौके पर 3.07 करोड़ की असली की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडे ने किया। संचालन सचिव जिला विधिक सेवा अधिकरण सर्वेश कुमार मिश्रा ने किया। जनपद न्यायाधीश ने एक वाद का निस्तारण किया और 1,000 का अर्थदंड लगाया। अपर जनपद न्यायाधीश कुमार मिश्रा ने फौजदारी के 2 वादों का निस्तारण कर 1,500 का अर्थदंड लगाया। उसेना हुसैन अहमद अंसारी ने फौजदारी के 1, आर्बिट्रेशन के 2, विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट महेश चंद वर्मा ने विद्युत अधिनियम के 31 वादों का निस्तारण किया। अपर न्यायाधीश गोविंद मोहन, ओम प्रकाश, प्रशांत बिलगैया, विनोद कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिश्चंद बलिया, सिविल जज सुरेंद्र प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सांभवी यादव, सिविल जज तपस्या त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विराट मणि त्रिपाठी, सिविल जज आशीष धीरानिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राजीव रंजन मिश्रा, धम कुमार सिद्धार्थ, प्रवीण कुमार प्रियदर्शी, धर्मेंद्र कुमार भारती, चंदन सिंह, अनिल कुमार मिश्रा ने 1,409 वादों का निस्तारण किया। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।